तो ये आपके लिए गोल्ड और गोल्ड हाँ, आपने गोल्ड हाँ, गोल्ड और और आपने इक्विटी जो एक साथ रहे दीप क्या क्या है कि पहले हमने क्या सिखा था जब ग्लोबल टेंशन तो फिर हमने और क्या सिखा? और साथ, साथ नहीं बढ़ते तो गोल्ड बढ़ेगा टेंशन नहीं होगी तो इक्विटी बढ़ेगी अब इक्विटी मार्केट ने हाई तब बनाए जब रशिया और यूक्रेन रुक नहीं रहे लड़ाई बढ़ा रहे इसराइल हमास की लड़ाई घटी नहीं है उल्टा अब लेबनान तक पहुंच गई है ईरान yes. पहुंची फिर लेबनान पहुंच गई Correct. और बढ़ रही है और बढ़ रही है so, चलो, गोल, तो चलो गोल्ड तो गोल्ड का बढ़ना तो बढ़ता है लेकिन hmm. इक्विटी का बढ़ना क्यों बनता है फिर Correct. इस तरह के मा अब क्या हो गया दीप ये सब चीजें छोड़ दीजिए अब एक ही चीज है जो बाजारों को ड्राइव करती है क्या yeah. माल पैसा लिक्विडिटी पैसा है और लोगों को लेना है तो गोल्ड में जो बड़ी तेजी है इक्विटी में बड़ी तेजी वो लिक्विडिटी वाली है और ये जो कोविड के बाद से सिस्टम में बड़ा पैसा डाला है सारे सेंट्रल बैंक्स ने उसका असर आपको दिख रहा है कुछ तो खरीदोगे आप हाँ। है ना और दूसरी बात ये अब पैसा डालने से इक्विटी बढ़ गई आपकी अट्रैक्टिव लेवल पर भी थी जब कोविड आया करेक्ट तो बढ़ना ठीक था और पैसा भी आ रहा है सेम उस वक्त आपके लिए अगर आपको टेंशन लगती है तो आप गोल्ड खरीदेंगे और गोल्ड के बढ़ने के लिए बार बार लगातार कारण आते हैं करेक्ट और इन सबको देखते हुए कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी सरकारों ने और रिजर्व रिजर्व बैंक के सेंट्रल बैंक ने जो उनके रिजर्व बैंक है उन्होंने सोने की खरीदारी की है और दूसरी बात जब हाई इन्फ्लेशन होगा हुँ. तब गोल्ड सबसे ज्यादा पसंद आता है हुँ. तो अमेरिका अपने 40 साल के इतिहास के सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन में रहा है पिछले दो साल में हुँ. तो गोल्ड की खरीदारी का भी मौका बराबर बनता है और इक्विटी में लोगों को पैसा लगाना था क्योंकि करेक्शन बड़ा हो गया इकोनॉमी मजबूत है तो अब लॉजिकल है दोनों अब अगर अपने यही सोच के बैठे नहीं नहीं इक्विटी बढ़े तो गोल्ड नहीं बढ़ना चाहिए गोल्ड बढ़ा ये ये चलेगा नहीं ना तो सीखा पड़ा वो काम कर नहीं रहा करे सिचुएशन देखिए दोनों के लिए बढ़ने की परफेक्ट सिचुएशन है और इसी वजह से मुझे लगता है गोल्ड में अभी भी तेजी रहेगी अभी भी मजबूती रहेगी दोनों के बढ़ने की परफेक्ट सिचुएशन है हाई इन्फ्लेशन रेट अब इन्फ्लेशन थोड़ा कम हो रहा तो गोल्ड की तेजी की स्पीड कम हो सकती है लेकिन जब तक इसराइल हमारे लड़ रहे हैं रशिया यूक्रेन लड़ रहा है कुछ ना कुछ दुनिया में चलता रहेगा ना तब तक ये मजबूत तो रहेगा कोई ऐसा बड़ा क्रेश ये गिर जाने वाला नहीं है और इक्विटी की तेजी की तो हम रोज बात करते हैं आपको आइडिया ही है उसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है तो आई थिंक दोनों का बढ़ना जायज है बढ़िया है और पचहत्तर हजार के ऊपर तो आ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों के पास अगर कुछ है निवेश के नाम पे तो, तो गोल्ड ही है गोल्ड ही है तो आज गोल्ड पे हमारा बहुत विशेष शो है साढ़े ग्यारह बजे पचहत्तर हजार गोल्ड का अमृतकाल और बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया शो है बाजार के सभी दिग्गजों के साथ जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि गोल्ड आगे किस तरफ बढ़ेगा कितना बढ़ेगा और चांदी जिसने भी नब्बे हजार के ऊपर का बड़ी छलांग लगाई तीन हजार करोड़ रूपये कल बढ़ी है उस पर भी हमारा विशेष फोकस होगा तो ये शो मिस मत कीजिएगा चलिए तो बड़ा फोकस होने वाला है गोल्ड पर मिस मत करिए और गोल्ड और इक्विटीज का इस समय जो कोरिलेशन है ये भी आपको समझ में आ गया होगा